ये देखिए भाई, सारे रुद्राक्ष यहाँ पर। अब ये है दो मुखी रुद्राक्ष, एक इधर से कट है और एक इधर से कट है। एक गाड़ी आ रही है, बहुत ही सुंदर लग रही जंगल के बीच से। और ये जो रास्ता जा रहा है, ये जा रहा है आगे स्वर्ग आश्रम जोंक के लिए और भूतनाथ मंदिर के लिए। तो यहाँ लोग घूम भी रहे हैं। पहुंच गए बेटल आश्रम के पास, जिसे कि 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो हिस्ट्री है वो काफी, और जो रास्ता है ये एडवेंचर वाला रास्ता है, देख सकते हो आप। लोग यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं चलने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। वीडियो की शुरुआत फिर से हो रही है ऋषिकेश में, और आप सभी का स्वागत है ऋषिकेश योग नगरी में। वेदर बहुत अच्छा है, बट हल्की फुल्की गर्मी भी स्टार्ट हो गई है। और पीछे आप देख सकते हो ये है वेद निकेतन धाम, तो ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, और ये अपने आप में बहुत ही शानदार है अंदर का नज़ारा इसका। और मैं बता दूँ, ये जो रास्ता है ये जा रहा है बेटल आश्रम की तरफ, और ये अपने आप में एक बहुत ही सुकून और बहुत ही बढ़िया रास्ता है यार। और कुछ लोग देखो घूम के भी आ गए यहाँ पे। और इसी रूट पे ना रहने के लिए भी हैं, स्टेइंग वगैरह के लिए होटल वगैरह और रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं। जब आप इन गलियों से होके निकलते हो ना, बड़ा ही आनंद और सुकून महसूस होता है यार, क्योंकि पीसफुल है यहाँ पर, ट्रैफिक बहुत कम है। और चलती भी हैं तो छोटी गाड़ियाँ चलती हैं, जैसे टू व्हीलर वगैरह। और आज मैंने सोचा कि भाई वॉक ही चलते हैं। और ये है गाइस यहाँ पे टूरिस्ट गेस्ट हाउस, और बढ़िया यहाँ पर उनका ग्रीनरी के साथ साथ जो है सेटिंग भी बना रखा है उन्होंने, बहुत बढ़िया एकदम। यार बहुत ही अच्छी जगह में है, और सुकून एकदम शांति। बीटल्स वाले रास्ते में पड़ता है ये, बीटल्स का जो ऑन दी वे पड़ता है। साइड में गन्ने की रेडी भी है, जिसका कि बहुत लुक उठा रहे हैं लोग आजकल। इस बार प्लान करना है ना घूमने का, ये बढ़िया मौसम है। आप ज़्यादा भीड़ में मत आओ, सोच रहे हो कि मैं गर्मी आ जाए और चले जाऊँ बाद में, तो बाद में क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और आपको फिर दिक्कत हो जाती है घूमने घूमने में। कैसे हो भैया, ठीक ठाक? अभी ठीक है इसकी तबीयत? दिखाया आपने कहीं? चंडीगढ़ ले गया। चंडीगढ़ जय हिंद। इसका नाम भूल गया मैं, लवकुश नाम है। हाँ लवकुश, अरे वाह, चश्मे में अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, ठीक है ना। और ये है लवकुश, ये यहीं अपने पिताजी के साथ में फ्रूट वगैरह मतलब बिठा कर रखता है। इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम यही है, थोड़ा डिसेबल है, और बड़ा तो हो गया ये, लेकिन अभी ये थोड़ा माइंड से बच्चा ही है। ये इनकी फ्रूट की शॉप है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये फ्रूट वगैरह सेल करते हैं। और ये रास्ता जाता है भाई बीटल्स आश्रम के लिए। लोग घूम भी रहे हैं, लोग घूमते हुए मिल जाएंगे वैसे यहाँ पे, बीटल्स वगैरह जाते हैं ना तो। ये क्या भैया, बेल? बेल का जूस बनाते हो आप? कितने रुपए का? 40। अच्छा, ये है भाई बीटल्स आश्रम का गेट, और फाइनली पहुंच गए बेटल आश्रम के पास, जैसे कि 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है, अजीब और गरीब है। बेटल आश्रम का गेट, फ्रंट गेट जो एंट्री वाला गेट है, और यहाँ से टिकट लेके आप अंदर जा सकते हो। और बीटल्स आश्रम के बारे में और आप जान सकते हो कि ये लोग मतलब महर्षि योगी के जो है स्थापित किया था इसको, और काफ़ी बड़ा कैंपस एरिया अंदर ये। और यहाँ पर आपको पता ही है कि बैंड आया हुआ था बीटल्स वाला, और काफ़ी दिन वो लोग यहाँ पर रहे थे, और बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिक्स उन्होंने यहाँ पर तैयार किए थे, जो कि वर्ल्ड फेमस म्यूजिक हुए थे। और इसके जो सामने रास्ता जाता है ना, वो बिल्कुल गंगा जी में जाता है। और जो रास्ता है ये एडवेंचर वाला रास्ता है, देख सकते हो आप। लोग यहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं चलने के लिए। गाइज, आप भी अगर ऑफ रोडिंग या ओबड़ खाबड़ रोड का मजा लेना चाह रहे हैं तो इस रोड से आप आ सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया है। तो लो जी, पहुँच गए अभी शानदार जंगल में, जो कि राजा जी नेशनल पार्क के अंडर आता है, और ये बीटल्स आश्रम से लगता हुआ है। तो यहाँ तक कभी कभी ना जानवर वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे हिरन हो गया, एलिफेंट हो गया,
तो हाथी वगैरह तो वैसे ही घूमता है यहाँ पे, वैसे आना अलाउड नहीं है, बट है ब्यूटीफुल जगह है। आप अकेले नहीं तो कपल्स में तो जरूर आ सकते हैं अगर आप ऋषिकेश आ रहे हैं तो घूमने के लिए। यहाँ पे बहुत ही शांत रास्ता है, बहुत ही शांत, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं और ओनली ठंडी हवा चल रही है और बहुत ही आनंद मिल रहा है यहाँ पे। आप भी अगर ऋषिकेश आ रहे हैं ना तो यहाँ पर पैदल चल के आएँ तभी मज़ा आएगा भाई। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है नीलकंठ मणिकूट पर्वत की पहाड़ियाँ हैं जो कि बिल्कुल सटके लगती हैं राजाजी नेशनल पार्क से, और इसी के बीच से एक रास्ता जाता है जो आगे जाके नीलकंठ के लिए भी एक पैदल रास्ता निकलता है वहाँ से। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये जा रहा है आगे बैराज की तरफ, और यही रास्ता आगे जाके एक रास्ता कटता है नीलकंठ के लिए पैदल रास्ते के लिए, वहाँ भी जाके ये टच होता है। और ये जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आगे स्वर्ग आश्रम जोंक के लिए और भूतनाथ मंदिर के लिए। यार अगर इस रोड पे आप आ रहे हो तो आप जो है पेयर में आए कपल में आए तो बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। तो ये टाइगर रिजर्व है और राजाजी नेशनल पार्क के अंडर आता ही है, तो जंगल पूरा उन्हीं का लगता है भाई। तो यहाँ पर कभी भी ना इधर से लेफ्ट से राइट से कभी भी जानवर जो है उछल कूद करते रहते हैं, कि जानवर फिर अचानक से कभी कभार अटैक करने का भी खतरा होता है। गाइज ये यार बहुत सुकून भरा रास्ता है, हल्का फुल्का ट्रैफिक है, लेकिन जब यहाँ पर भोलेनाथ की वो चलती है लोगों की श्रद्धा तो ये रोड भी बहुत बिजी हो जाता है। तो ऋषिकेश आ रहे हैं इस रोड को ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, बहुत ही शांत और मस्त रास्ता है ये। नीलकंठ महादेव मंदिर पैदल मार्ग 12 किलोमीटर, और यहाँ आप देख सकते हो ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं ये मैक्स वगैरह ये सारी की सारी जो है नीलकंठ जाने के लिए हैं, और आप बुक करके जा सकते हो यहाँ से, ये सारी गाड़ियाँ देख सकते हो आप ये। और ये देख सकते हो आप गीता आश्रम और परमार निकेतन के जो गेस्ट आते हैं ना उनकी गाड़ियाँ हैं यहाँ पर पार्किंग होती है, ये सारी आप देख सकते हो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं भाई यहाँ पे, दिल्ली HR UP ये सारा का सारा। और यहाँ से रास्ता जा रहा है, देखते हैं कहाँ निकलता है ये। लो जी पहुँच गए आराधना स्थल पे, और मेरे ख्याल से ये भी जो है कि एक प्राइवेट रेसिडेंस है, ये छोटे रूम भी है मेरे ख्याल से यहाँ। और यार अंदर तो काफी अच्छा एरिया लग रहा है, ये बढ़िया लग रहा है एकदम, और मुझे लग रहा है इसको रेंट पे देते होंगे जो भी यहाँ रुकने के लिए आता होगा कुछ दिन के लिए, या योगा वगैरह मेडिटेशन वगैरह करने के लिए, उसी के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि रूम ज़्यादा बड़े भी नहीं है और ज़्यादा छोटे भी नहीं है, सिंगल या डबल पर्सन के लिए रूम ही है यहाँ पे बस। और जैसे जैसे मैं स्वर्ग आश्रम की तरफ जा रहा हूँ या जोंक की तरफ जा रहा हूँ इस रोड पे रश हो जा रहा है बहुत। और ये आगे भी भूतनाथ मंदिर के आसपास बिल्कुल बाहर जो गेट के बाहर दुकानें लगती हैं वो है, आप यहाँ पर चाय का आनंद ले सकते हैं। और ये है भैया यहाँ पे रुद्राक्ष वाले भैया, ये रुद्राक्ष वगैरह सबको। भैया कैसे हैं, क्या हाल चाल, कैसे हो, ठीक ठाक? एक मुखी से लेकर और सारे रुद्राक्ष यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। और ये रहा भैया ने जो लिखा हुआ है, ये देखिए भाई सारे रुद्राक्ष यहाँ पर। ये है दो मुखी रुद्राक्ष, एक इधर से कट है और एक इधर से कट है, तो ये आप यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए ये प्रॉपर जो है भैया ने माला बना रखे हैं इसकी। और ये भैया मिलेंगे यहीं पे, रुद्राक्ष वाले भैया कहते हैं हम इनको, ये यहाँ भी मिलेंगे भूतनाथ टेम्पल जो है ना एंट्रेंस गेट है उसके जस्ट बगल में ही यहाँ पर रहते हैं भैया ये, आप आके यहाँ से आराम से अपना रुद्राक्ष वगैरह ले सकते हो। तो लो जी पहुँच गए भूतनाथ मंदिर के द्वार पे, और यहाँ से इसका एंट्रेंस भूतनाथ टेम्पल के लिए भी जाते हो तो यहाँ पर बिल्डिंग जो है ऊपर वो बहुत ही शानदार है, काफ़ी लंबी बिल्डिंग है, काउंटिंग तो मेरे को पता नहीं, मैं तो गया हुआ ऊपर, लेकिन आप जब वहाँ जाते हो ना तो वहाँ जाने के बाद में एक अलग ही फीलिंग आती है भाई अपने आप। और यहीं पर जो है कैंटीन भी है, आप चाय का आनंद ले सकते हैं यहाँ पर।
तो भूतनाथ मंदिर के एंट्रेंस में हमने दर्शन कर लिए, वहां से निकल गया हूँ मैं और अभी चल रहा हूँ मैं स्वर्गाश्रम जोंक की तरफ। और यहाँ भी बहुत ही सुकून भरा रास्ता है यार, पूरा रास्ता ही बड़ा अच्छा है ये। भाई बोर्ड इसका कुछ भूतनाथ मंदिर वाली पार्किंग बोलते हैं इसको, 7 बजे खुलती है और शाम को 7 बजे तक रहती है। और ये है स्पेशली जब ऋषिकेश में कुछ ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, तो तब के लिए है ये। और अच्छा खासा स्पेस है इस पार्किंग में। और ये जस्ट जो है पीछे आप देख सकते हो, ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है ये है जोंक गांव का एरिया, और जस्ट उसी के सामने जो है यहाँ पर खुला पार्किंग है। आप अगर इस एरिया में आते हो तो यहाँ अपने आराम से गाड़ी वाड़ी पार्क कर सकते हो। विदेशी जो है फ्रूट और सब्जी लेते हुए मिल जाएंगे भाई यहाँ पे। तो भाई मैं पहुंच गया अभी गंगा घाट वाली गली के पार, और ये आप देख सकते हो ये चोटी वाले की तरफ से रास्ता आ रहा है। फाइनली गाइस ये था आज का ब्लॉग, और आज का ब्लॉग करते हैं समाप्त और मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग में। तब तक बने रहिए, बाय बाय।